व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस, आज अपन लोग खेल रहे हैं GTA 5 के अंदर मेगा रैंप चैलेंज विद द वन एंड ओनली चॉप। तो भाई, ये देखो भाई, मेरे पास आपसे ज्यादा स्पीड है इस गाड़ी के अंदर। अरे दो स्पीड का तो नहीं पता, लेकिन सही में बहुत तेज निकल गया ये। तो भाई रुको रुको, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है भाई। चल बे, उल्लू बनाता है मेरे को भाई, सब पता है मेरे को। गाइस, इसकी स्पीड बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही थी, लेकिन भाई ये अपने को ठोकना चाह रहा है पीछे से। बट तुम्हारा फ्रॉस्ट भाई ऑलरेडी हाइपर ब्रेन लेके आया है। अरे कहां लैंड करा दिया भैंस, क्या करूं? रुको रुको, नहीं 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 भाई, मर सकता हूं। और बचा लिया। ओ भाई किस्मत, तो भाई मैं भी मरने वाला हूं यार, ये बहुत तेज गाड़ी जा रही है भाई। कंट्रोल कर लो फ्रॉस्ट भाई। दोस्त बैक कैसे कंट्रोल कर लूं भाई, ऐसी अजीबोगरीब चीजें ना बोला करो तुम भाई। मेरी गाड़ी खुद नहीं कंट्रोल हो रही है। ये देखो गाइस, अभी हमारे सामने मेगा रैम जो है वो चेंज हो गया। और ये क्या, कहां निकल गई भाई? लेफ्ट में नहीं। ओ बच गया भाई, बचाऊ मैं कैसे, मैं ही जानता हूँ भाई। स्लो कर ले आराम से, ये बात भाई मेरे को चेक पॉइंट मिल जाएगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा भाई। ओए, रुक जा भाई मेरे लिए, मैं तो इतना पीछे रह गया। अरे रुक जा, अबे कहां वादियों में घुसा रहे हो यार। मेगा रैम चैलेंज कम पार्कोर चैलेंज बना दिया इन नुबड़ो ने। ऑलराइट गाइस, इट सीम्स लाइक चॉप का ऑलरेडी पहुंच भी गया नीचे, एंड अपन लोग ही भाई अभी तक टाइम पास कर रहे हैं। चलो भाई आ जाओ, दिखा देते चॉप को कौन है असली प्रो। भाई मैं तो एरोप्लेन लेकर निकल गया भाई, आप आते रहो प्रो गिर करते हुए। भाई पहले अटेम्प्ट में कर लिया भाई, और क्या चाहिए तुम्हें यार। ये बंदा यार दिमाग खाना बंद नहीं करता है गाइस। ओके हियर वी गो, अपनी फाइटर जेट अपने पास आ चुकी है। और यहाँ पर गाइस, ये फाइटर जेट कम लग रही है या भाई कमर्शियल एयरलाइनर ज्यादा लग रही है? एक तो इसकी बंदूक जो इसके अंदर फिट की गई है ना, बहुत ही घटिया बंदूक है भाई। मतलब बंदे मरना तो छोड़ो, ध्यान भी नहीं देंगे तुम्हारी तरफ। भाई मच्छर भर जाए वही बहुत बड़ी बात है इस प्लेन से। भाई मच्छर छोड़ो भाई, ये चेक पॉइंट कितना इन लोगों ने छोटा लगाया है भाई। अबे छोटा नहीं, ये छेद ही छोटा है भाई। अरे कहां प्लेन जा रही है भाई? देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से लाया था प्लेन, गलती मेरी नहीं है, गलती इन भाई छेद बनाने वालों की। इतना छोटा छेद कौन देता है भाई घुसाने के लिए, प्लेन घुसी नहीं अंदर। चलो कोई बात नहीं गाइस, एक और बार ट्राई मारते हैं, क्या पता इस बार चली जाए। ऑलराइट हियर वी गो। अरे 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 कहां भाई, ये कंट्रोल नहीं हो रही है भाई, ये लेफ्ट राइट अपने अपने जा रही है। मैं सीधा बोल रहा हूं जाने के लिए, लेकिन ये मानती नहीं है। ये देखो तुम कहां निकल गए भाई। भाई ये ट्रक दिया इन लोगों ने, बहुत वाहिया ट्रक है भाई, ये भी लेफ्ट राइट बहुत ज्यादा करती है। अरे तो आओ दोस्त, तुम्हारी मदद कर देता हूं मैं फुल स्पीड में। यले, अबे बच गया यार। चलो कोई ना गाइस, अब मेरे को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। इस चच्चू के चक्कर में मेरी चेक पॉइंट छूट गई। अरे कहां घूम जाती है? नहीं 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 नहीं, फटियो मत। ऑलराइट हियर वी गो गाइस, बहुत ज्यादा मुश्किलों के साथ तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई ने फाइनली रास्ता ढूंढ लिया। ऑलराइट हियर वी गो, क्या पता इस बार भाई फुल स्पीड में निकालेंगे गाड़ी। ओके ट्रक बन गया हूं मैं, वेरी नाइस। ओ भाई ट्रक तो बहुत तेज जा रही है, लेट्स गो। ओ भाई जंप देख रहे हो तुम? भाई ढंग से लैंड कराओ नहीं तो सही में गाड़ी गिर जाएगी। अबे तू क्या बोल रहा है भाई, और ये माइन कहां से आ गई? पहली बार तो नहीं थी यार। गाइस मेरे को लगता है ये माइन चॉप ने लगाए भाई अपने को हराने के लिए। भाई तू इतनी बड़ी बड़ी माइन से लेके रेसेस में आता है, तेरे को डिस्क्वालीफाई नहीं करते वो लोग? भाई जब आप 500 अप्रॉक्सिमेटली माइन लेके आते हो तो आपको तो कोई नहीं कहता भाई, मेरे को क्यों कहेगा कोई भी? अरे यार देख, तेरे से बात करने के चक्कर में मैं यार अंदर गिर गया भाई। अब बोल, अब क्या बोलेगा तू? भाई गलती मेरी नहीं थी, गलती आपकी भाई, आपको गाड़ी ध्यान चलानी चाहिए थी, आप मेरे पर इल्जाम लगाते हो भाई। वाह भाई देख लो यार, अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। चॉप के जैसा नूब आदमी भाई मजाक उड़ा के चला गया। चलो कोई ना गाइस, आओ इसको साबित कर देते हैं कि नूब क्या होता है और प्रो क्या होता है। अरे भाई ये गाड़ी पहले मुझे साबित कर दे कि ये ढंग से रोड पे चलने के लिए बनाई गई है। भाई साहब हर 2 सेकंड पे मर जाती है। हाँ वाह, मेरा बंदा और मान है भाई, इसको गाड़ी से कूदने का मन कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा 10वां अटेम्प्ट है भाई इसी गाड़ी के साथ, और मेरे से ये हो ही नहीं रहा है। ये मेगा रैंप जब भी कंप्लीट करने वाला रहता हूं ना मैं, चौप भाई मेरे को आके धक्का देता है गाइस, और अपन लोग नीचे गिर जाते हैं। भाई मेरे पे ब्लेम क्यों लगा रहे हो भाई, मैं तो ऑलरेडी यार फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा हूं। अरे तो इसीलिए तो ब्लेम लगा रहा हूं भाई, अगर तो सेकंड पोजीशन पे होता तब ना ब्लेम नहीं लगाता मैं। लेकिन गाइस ये चॉप पता मेरे से इतना डरता है, इसने नई स्ट्रेटजी बना ली, इसको पता चल चुका है रेस के आगे में ये मेरे से आगे रहता है। तो गाइस इसने सोचा है भाई जितना चाहे उतना ट्रोल करेगा अपने को फर्स्ट हाफ में, कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा, और जब मैं यार नीचे गिर जाऊंगा तो ये जाके सड़क से चेक पॉइंट ले लेगा। तो भाई इसीलिए अभी मैं रुकने वाला नहीं हूं भाई किसी के लिए भी। और थैंक गॉड चॉप ने भी यार थोड़ी देर के लिए फाइटर जेट छोड़ दिया, लेकिन ये गाड़ी अब लुढ़कना नहीं छोड़ने वाली है। ओके हियर वी गो गाइस, एक और बार लेट्स गो। ऑलराइट चलो जल्दी चलो भाई, टाइम नहीं है, वो पीछे से आ रहा है भाई। ऑलराइट तो गाइस तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई को यहाँ पे मौका मिल चुका है बदला लेने का। जी हाँ, बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया हूँ मैं, तो अभी ट्रोलिंग का थोड़ा सा रिटर्न बनता है ना भाई। अरे कहाँ निकल गया ये? रुको भाई रुको, ऐसे नहीं जाने देंगे दोस्त तुम्हें, अभी बदला जो है वो इंटरेस्ट समेत लगा जाएगा। ये ले तो भाई, आसमानी अटैक मत क्या करो भाई, पूरा यार गाड़ी का परखच्चा उड़ गया भाई। लेकिन थैंक गॉड मेरी गाड़ी बहुत मजबूत है फ्रॉस्ट भाई, आपके ये कमजोर इरादे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फ्रॉस्ट भाई। कमजोर इरादे तो दोस्त मैं ही दिखाऊंगा तुम्हें। अरे कहां दोस्त, स्काई डाइविंग करने का बुखार तुम्हारा गया नहीं क्या? मेरे
मेरा भाई यार ये बंदा एक नंबर का निकम्मा है भाई। एक क्रूशियल पोजीशंस में भाई साहब को स्काई डाइविंग करनी रहती है। बन गया ना वो एरोप्लेन, क्या कर लेंगे भाई अपन लोग अब इंतजार करो शांति से बैठ के। तो भाई यार ये फूट क्यों जाती है भाई यार, मेरे को समझ नहीं आता, मेरी गाड़ी यार फूट गई भाई। अरे लेट्स गो भाई, एक और मौका मिला है अपने को। ओए आजा ब्रो, तेरे को दिखाता हूँ। अरे कहाँ निकल गया, व्हाट द हेल, अबे मेरी प्लेन भी फूट गई। चलो भाई ठीक है, कोई ना गाइस एक और बार ट्राई करते हैं, अपने को एक और मौका दिया है भगवान ने। आ जाओ दोस्त, इस बार तो तुम्हें ठोक के घर वापस जाऊंगा। तो भाई आ जाओ भाई, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। चलो दोनों में टकरार कर देते एकदम, 1 2 3 पे आ जाओ भाई। ओके कहाँ पे आ रहा है तू, अबे ये क्या स्लो मोशन में आ रहा है भाई, अबे फिर निकल गया भाई। रहने दे यार, तेरे बस का नहीं है भाई, इस बार मेरे को चेक पॉइंट लेने दे, मैं ऑलरेडी सेकंड प्लेस पे चल रहा हूँ। अगर ऐसा चलता रहा ना गाइस, सही में बोल रहा हूँ, मेरे को फर्स्ट पोजीशन मिलने वाली नहीं है इस रेस में। ऑलराइट हियर वी गो, वहाँ पे देखो गाड़ी मिल चुकी है और ये गाड़ी गिर भी चुकी है। भाई यार रुको, रिस्पॉन ही कर लेता हूँ मैं, वापस घुमा के कौन लाएगा इतनी दूर से। ऑलराइट तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे प्लेन की लाश भी यहीं पर पड़ी हुई है। व्हाट द हेल, लोगों ने साफ क्यों नहीं किया यार, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेरी बेइज्जती की जा रही है। हाँ भाई इसी के लायक हो तुम। ओके और ये मारा एक सुपर जंप, लेकिन लैंडिंग डिपेंड करती है। ओ एकदम स्मूथ लैंडिंग थी, लेकिन लगता है गाइस ये स्मूथ लैंडिंग ज्यादा देर तक हमारा साथ नहीं दे पाएगी, क्योंकि खड्डे आ चुके हैं हमारी जिंदगी में और मैं कह रहा हूं दोनों के ऊपर। और ये कंट्रोल क्यों नहीं होती है भाई, ये लेफ्ट राइट एक बार जाना शुरू कर देती है ना गाड़ियां मेगा रैम के ऊपर, तो बिल्कुल भी सीधा नहीं होती है। लेकिन तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई ने इसका भी एक तरीका निकाल लिया है, और वो एक गाड़ी को स्लो कर दो। ओए ओए नहीं नहीं, खड्डे में नहीं, खड्डे में नहीं भाई, खड्डे में नहीं। ओ बच गया गाइस, ये क्या था भाई, ये क्या था, हाई आईक्यू मूव और व्हाट, क्या किस्मत था ये, मेरे को पता नहीं कुछ भी था भाई, बस अपने साथ हुआ है। थैंक यू सो मच गॉड, मेरे को ऐसे ही यार किस्मत चमकाते रहो, और इस चमगादड़ को मेरे से दूर रखो। अरे उड़ा डाला यार, इतना अच्छा खेला था भाई मैंने। तो भाई यही होता है भाई, आप मेरे को मारने आए तो मैंने आपको ट्रोल कर दिया, आप तो मेरे को नहीं कर पाए फोस्ट भाई। अरे दोस्त तेरे को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तेरे को भाई DNF देने की जरूरत है, और ये बात मैं याद रखूंगा भाई। खूब ट्रोल कर रहा है ना, कर ले तू, कर ले भाई, ये देखो फिर मार दिया। अबे भाई यार छोड़ दे भाई, क्यों परेशान क्यों कर रहा है मेरे को। तो भाई बहुत मजा आता है भाई, फर्स्ट पोजीशन लेके मैं आपको ट्रोल करूंगा आज की रेस में। भाई यार आज इसके भाई देख रहे हो किस्मत के सितारे चमक गए भाई, अपने को जितना मैं उतना ट्रोल कर रहा है भाई, ये सही है यार। हम लोग भाई इसको ट्रोल किया करते थे, आज गाइस जो शिकारी है उसी का ही शिकार हो रहा है, ये सही है भाई। ऐसे चलता रहा ना तो जंगल का राजा चेंज हो जाएगा गाइस। तो भाई बहुत दिन हो गए जंगल का राजा बदला नहीं है भाई, अब टाइम आ गया चौप जंगल का राजा बन जाए। अबे तो जंगल का राजा बनेगा तो GTA 5 में आके मंगल कौन करेगा डेली। तो भाई मेरा मतलब जंगल से GTA 5 था और मंगल से मेरा राजा बनता था भाई। ओ भाई ठीक है भाई, ठीक है समझ गया भाई, पहले एक रेस जीत जा मेरे से उसके बाद सोचते छोटे। अभी ना मेगा रैम चैलेंज हो या रेस, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, तो इतना जल्दी डिसाइड करना हम दोनों के लिए ही घाटे का सौदा रहेगा। तो आज गाइस इस चमगादड़ को दिखा देते चौप के बच्चे को कि अपन लोग भाई किसी चीज से कम नहीं है। और मैं इसको चमगादड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये काली कलर की प्लेन लेके आता है, लिटरली दूर से चमगादड़ ही लगता है उड़ता हुआ। तो भाई मेरे को चमगादड़ बोला तो आप भाई येलो बफेलो। अरे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं येलो बफेलो हूँ ना, अभी ऐसा सींग मारूंगा ना आके तेरे को, तेरी गाड़ी भाई स्पेस में चली जाएगी। रुको दिखाता हूँ मैं इसको, कहाँ से आ रही है, बीच से आ रहा है, रुक जा भाई। अबे कहाँ वो तो हेल, इतना ऊपर कैसे उड़ रहा है भाई, इसको भाई बूस्टर वाली गाड़ी मिल गई है। व्हाट द हेल, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए भाई। रुको मैं ले रहा हूँ भाई, एक सेकंड गाइस, हियर वी गो फुल स्पीड में। भाई ये लो भाई, आपको चीड़ के फाड़ दूंगा भाई। अबे क्यों भाई मेरे मुंह पे बूस मार रहा है ये बंदा, भाई ये चीटिंग हो रही है भाई मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ गाइस अपने साथ अन्याय हुआ है। लेकिन चलो कोई ना, इस बार फिर से अन्याय का बदला लिया जाता है, आपको तो पता ही है गाइस, अन्याय का बदला लेना इज नॉट टू डिफिकल्ट, आपको बस जो अन्याय कर रहा है उसके साथ डबल अन्याय कर देना है, ठीक है। चलो भाई एक बार और आया, चल निकल यहाँ से छोटे। भाई अरे अरे कहाँ भाई, कहाँ उल्टा पड़ गए भाई, आप तो मच्छी के जैसा जमीन पे पड़े हो भाई, मेरे को क्या मारोगे, आप तो खुद ही मर गए। अरे मरा नहीं था दोस्त, रिस्पॉन करना पड़ा, तुम्हें जो इतनी जोर से ठक्कर मारी थी ना भाई, उसके बाद मेरी प्लेन का यार मानसिक और भाई शारीरिक दोनों संतुलन बिगड़ गया गाइस, बट इस बार रुकने वाले नहीं है। अबे कितना ऊपर से जा रहा है भाई, यार ये रॉकेट वॉकेट बन गया है क्या। रुको भाई मैं भी लेता हूँ ये गाड़ी और उसके बाद दिखाता हूँ चॉप को गाइस, हियर वी गो। ओ भाई बस जा रहे अपन लोग, अब नीचे से ले जाना है एंड स्मूथ। ऑलराइट गाइस, तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई को मिल चुकी है वो गाड़ी जिसके लिए इंतजार कर रहे थे भाई सब कोई। और अबे रुक कहाँ भाई, कैसे चिपके जा रही है, मैग्नेट है क्या। ऑलराइट हियर वी गो, चलो भाई बूस्टर से स्टार्ट मारते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बूस्टर से स्मार्ट नहीं माना था भाई, स्मार्ट बनने के चक्कर में यार ओवर स्मार्ट बन गया। अरे गई है, गई भैंस पानी में। और बूस्टर देखो अब रिचार्ज हुआ है। नहीं एक काम करो ना भाई, मेरे को यार तुम स्वयं छोड़ के आओ समुद्र के अंदर, नहीं ऐसे साजिश क्यों कर रहे हैं ये GTA वाले। ऑलराइट चॉप तेरा हो गया क्या। तो भाई मेरा तो कब का हो गया भाई, आपके जैसा लूजर आदमी नहीं हूं मैं। चल कल आइयो भैंस की टैट, अपने को लूजर बोलेगा, फोड़ दिया ना प्लान। तो भाई प्लान तो फोड़ दिया भाई, लेकिन आप भी तो बाहर
गिर गए। अबे प्लान हो या प्लेन भाई, जब फूटते है ना तो दिल जरूर टूटता है, समझ गया। और मेरा काम है भाई तेरे साथ दिल तोड़ने वाला काम करना, नहीं तो भाई इसका जितना कॉन्फिडेंस है ना गाइस, ये अपने को इजीली हरा सकता है। चल कल आइयो, ये देख रहे हो गाइस, ये हुई है, होते है भाई प्रो ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक्स विद फ्रॉस्टी भाई, ऐसे सीखोगे आप। ऑलराइट, चलो चॉप नाम के इस चमकातर को हम लोगों ने अवॉइड कर दिया है, अब टाइम है बूस्ट मार के GTA 5 की गलियों में आगे निकलने का। तो आ जाओ भाई, एक मस्त समय का रैम जंप दे दो एंड सीधा आसमान की ऊंचाइयों में। देखा ऐसे करते भाई रॉकेट कार से, ये नूबड़े को थोड़ी पता है। तो भाई आ रहा हूं भाई, रुको, आपने मेरे को नूबड़ा बोला, ये लो प्लेन लेकर फिर से आ गया मैं। लेकिन दोस्त अभी बहुत लेट हो गया ना, तुम क्या है, तुम नूब इनटू प्रो इनटू मैक्स हो, मेरे यार धमकी वाली चाल के अंदर फंस गया ये नूबड़ा। और अब गाइस अपन इसको पीछे करेंगे फुल स्पीड में। ये देखो भाई अपन लोग आ गए गाइस फर्स्ट प्लेस, एंड एज यू कैन सी चॉप हो चुका है सेकंड। तो भाई ये चीटिंग भाई, मेरे को लगा अभी बहुत आगे रहूंगा, लेकिन आप आगे कैसे निकल गए भाई। अभी बताता हूं दोस्त, अभी बताता हूं, तुम देखो तो चेक पॉइंट लेके फिनिश करता हूं मैं तुम्हारे सामने। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फाइनल चेक पॉइंट आ चुका है, और इस चेक पॉइंट के लिए मैंने चॉप को यार बोला आ जाओ भाई मेरी गाड़ी के ऊपर आ जाओ। वैसे भी इस गाड़ी के ऊपर गन है गाइस, और अपन लोग हैं अभी फर्स्ट पोजीशन पे, तो आई वाज थिंकिंग क्यों ना अपन दोनों साथ में करते हैं। तब चॉप कैसा लग रहा है तेरे को? तो भाई ये तो बड़ा मस्त एक्सपीरियंस है भाई, पहली बार मैं रैप में बंदूक चला रहा हूं भाई, मजा आ गया। तो भाई ये गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई इन लोगों ने, देखा इसलिए बोलता हूं भाई ऐसे करते हैं मेगा रैंप चैलेंज। और भाई आराम से चल, नहीं तो पता चला तू यार चलती गाड़ी से बाहर गिर जाएगा। तो भाई ये गाड़ी सुना है भाई पानी के ऊपर भी मस्त चलती है फ्रॉस्ट भाई। अरे ऑफ कोर्स मेरे दोस्त, पानी के ऊपर तो क्या झकास चलती है भाई। ये गाइस आपको पता नहीं है, ये पता है जमीन पे भी चलती है, पानी में भी चलती है, क्योंकि इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में ना जो बैरल्स लगे उनके अंदर हवा भरा है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर गाइस। एंड अपने को बायोएंसी मिलती है, और पीछे दिख रहा हूं पानी में चलने वाला मोटर भी लगा हुआ है इसके ऊपर, तो यानी कि डबल धमाका। और गाइस यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉप और मैं आगे जा रहे हैं, लेकिन ये बढ़िया तरीका मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं यहां पर चॉप को मार देता हूं और फर्स्ट फिनिश कर देता हूं। भाई चीटिंग क्या भाई, चलती हुई गाड़ी से मार दिया आपने। देखो इसकी लाश कैसे गिरी है भाई। ऑलराइट गाइस लेट्स गो, टेंशन मत ले, चॉप फिनिश लाइन पे तेरा इंतजार करूंगा, अगर यार भगवान का इच्छा रहा तो अपन लोग मिलेंगे, नहीं तो टाटा। चलो फॉक्ट भाई आ गया मैं आपकी गाड़ी में, चलो दोनों साथ में चलते हैं। ऑलराइट, तो फिनिश लाइन के सफर पर निकल चुके हैं। अरे इसको चेक पॉइंट मिल गया। फॉक्ट भाई मेरा चेक पॉइंट आ गया, मैं प्लेन लेके जा रहा हूं भाई। अरे नहीं, मतलब अभी इसको एक और चेक पॉइंट लेना है गाइस, बट दिस इज द बेस्ट टाइम, अपने पास इस रॉकेट कार के अलावा कुछ भी नहीं है, मेरी गाड़ी लेके भाग गया ये भाई। चलो कोई नहीं यार, आ गाइस वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन हमेशा की तरह स्टे फ्रॉस्टी।